हेलो एवरीवन, मैं हूं अमित और आप देख रहे हो ब्लॉगिंग स्पेशल। तो गाइस चलिए आज मैं फिर से एक वेबसाइट आप लोग को रिव्यू करके दिखाता हूं। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो गाइस आज जो मैं वेबसाइट रिव्यू करने वाला हूं, मैं बता देता हूं कौन सा वेबसाइट है। इससे पहले मैं आपको बता दे रहा हूं कि अगर आपको भी अपना वेबसाइट रिव्यू करवाना है तो आप इंस्टाग्राम में ब्लॉगिंग स्पेशल सर्च कीजिए, प्रोफाइल को मेरा आप फॉलो कीजिए गाइस, और मैसेज में अपना यूआरएल सेंड कीजिए और प्रॉब्लम बताइए कि क्या रिजेक्शन में एरर आया था। बस इतना चाहिए, मैं आपका वेबसाइट रिव्यू कर दूंगा, ठीक है। चलिए फिलहाल मैसेज में चलते हैं, और मैसेज में जाने के बाद यहाँ पर रिक्वेस्ट में मेरे कई सारे रिक्वेस्ट अभी पड़े हुए हैं, ठीक है, तो इनका मैं बाद में देखूंगा। इससे पहले एक यहाँ जो पेंडिंग में पड़ा है मैं उसका रिव्यू कर देता हूँ। तो ये वेबसाइट है आपका, ठीक है, ये आपका दिन बंधु है, ठीक है। तो जस्ट मैं इसे रिव्यू करके जो है ना इसे मैसेज कर देता हूँ। वेट, इनका जो प्रॉब्लम है वो बता रहा है कि 3 बार रिजेक्ट हो चुका है और ये लो वैल्यू कंटेंट है। कोई बात नहीं ब्रो, 3 बार ही हुआ है, बहुत किसी को तो 100-100 बार मेरे जैसा जो है ना रिजेक्ट होना पड़ता है। तो ये अभी शुरुआत है, अभी और भी कई बार आप रिजेक्ट हो सकते हो, तो इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। अनलिमिटेड जो है, ठीक है, वो आप कर सकते हो, मतलब अप्लाई कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर है पूछो कैसे, बहुत ही अच्छा आपने डोमेन तो परचेज किया है, पूछो कैसे, और खर्च भी आप कर रहे हो, अच्छा खासा खर्च किए हो, वर्डप्रेस पे लग रहा है आपका वेबसाइट बना हुआ है तो अच्छा, और कस्टमाइजेशन भी अच्छा किए हो, आपका मेनू वगैरह भी प्रॉपर वर्क कर रहा है, कलर भी अच्छा दिए हो आप, अट्रैक्टिव है आपका वेबसाइट, ठीक है। यानी कस्टमाइजेशन में मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ, काफ़ी अच्छा है। बस एक काम करना, ये जो आपका यहाँ पर पेजेस लगा हुआ, ठीक है, ये पेजेस को ना आप यहाँ पे साइड बार में लगा देना, ठीक है, और नहीं तो नीचे में अगर आपका लगा ऑलरेडी लगा हुआ है वहाँ से हटा दो यार। मेनू के साथ मैं हमेशा मना करता हूँ, ऐसे दिक्कत नहीं है, बट फिर भी यार यहाँ पे ऑलरेडी आपका बहुत सारा मेनू से भरा हुआ है, ठीक है, तो आपने काम करना यहाँ से पेज को हटा देना, मिक्सअप मत करो, इससे प्रॉब्लम हो सकता है यूज़र्स को, ठीक है। ओके, तो ये सब कुछ तो आपका सही लग रहा है गाइस, कस्टमाइजेशन। एक कंटेंट आपका ओपन करते हैं और देखते हैं क्या है आपके कंटेंट में। ये क्या है, वजीर एक्स, क्यों और कैसे। तो लेंथ काफ़ी अच्छा लग रहा है आपका, ठीक है, और लिखे भी आपने अच्छा से एकदम, बिल्कुल भी कोई मिस्टेक तो यहाँ देखने के लिए नहीं मिल रहा आपका वेबसाइट पर। फिर देखते हैं कि ऐसा क्या प्रॉब्लम है, और भी कुछ, पीएम किसान केवाईसी कैसे करें, इमेज वगैरह भी ठीक है। चलिए होप, एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपने जो ये कंटेंट लिखा है ये किसी के वेबसाइट को देख करके हो सकता है आपने नहीं लिखा हो, तो अच्छी बात है, ठीक है। बट गाइज अगर आपने ऐसा कुछ किया है कि किसी का कंटेंट देखा हो, सिर्फ उसका वर्ड वर्ड या सेंटेंस वगैरह थोड़ा चेंज करके सेम चीज़ को अगर आप लिखे हो, तो वो भी लो वैल्यू कंटेंट का कारण हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, और कंटेंट में आपका कोई दोष नहीं है, तो कंटेंट लिखने का तरीका आपका सही है। अब इसे मैं डालता हूँ गूगल पर और इसे थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ। लिखता हूँ साइट, इंडेक्स भी है आपका बहुत सारा कंटेंट, जितना होना चाहिए उतना तो इंडेक्स लग रहा है आपका, तो फिर प्रॉब्लम कहाँ पर है बच्चा। ओके, जितना कंटेंट चाहिए था उतना है, लेकिन इतना में वैल्यूबल कंटेंट कितना है ये आपका ट्रैफिक देख करके पता चल जाएगा। एक बार इसका ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी चेक कर लेते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि ऑर्गेनिक ट्रैफिक से कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है। देखिए अगर आप यूनिक कंटेंट लिख रहे हो, मतलब गूगल में उस टाइप का कंटेंट है नहीं और गूगल को दरकार है, तो वैसे कंटेंट के लिए ट्रैफिक की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि गूगल वो इंप्रेशन भेज करके खुद से ट्रैफिक मंगा लेगा, ठीक है। लेकिन ऑलरेडी जिस टॉपिक पर बहुत सारे काम हो चुके हैं गूगल पर, अगर उस टॉपिक पर अगर आप काम कर रहे हो, तो फिर जाहिर सी बात है कि आपका कॉम्पिटिशन है दूसरे वेबसाइट के साथ में, तो फिर ट्रैफिक मायने रखता है, इस चीज़ को मत भूलिएगा। तो यहाँ पे ऑर्गेनिक ट्रैफिक आपका जो यूजुअली, मतलब जो 28 दिन का जो यहाँ पे डाटा बता रहा है वो आपका 6 ऑर्गेनिक ट्रैफिक है, जो कि कुछ भी नहीं है, ठीक है। बाकी यहाँ पे अभी परफॉर्मेंस आपके वेबसाइट का अच्छा नहीं है, यानी आपके वेबसाइट का परफॉर्मेंस आपको थोड़ा ध्यान में रखना होगा। अप्रूवल लेने से अच्छा है कि अभी आप परफॉर्मेंस पर ध्यान दो, ठीक है। ये जो बैकलिंक है अच्छा क्रिएट किया आपने, काफ़ी ज़्यादा बैकलिंक आपने क्रिएट कर लिया है, बट कोई फ़ायदा नहीं है गाइस जब तक कि आपका वेबसाइट ऑर्गेनिक ट्रैफिक आना स्टार्ट नहीं हो जाता है, क्योंकि ये बताता है कि आपका वेबसाइट कितना वैल्यूबल है, आप कितना वैल्यूबल कंटेंट लिखते हो, जिस कारण से लोग आपके वेबसाइट में विजिट कर रहे हैं और गूगल आपके वेबसाइट को वैल्यू दे रहा है, ठीक है।
तो ये ऑर्गेनिक ट्रैफिक पे ही डिपेंड करता है। तो अभी आपको ऑर्गेनिक ट्रैफिक पे काम करना चाहिए, ठीक है। अगर आपने लिंक वगैरह इधर उधर शेयर करके अगर आप डायरेक्ट ट्रैफिक मंगा रहे हो ना, तो उसे आप बंद कर दो और ऑर्गेनिक ट्रैफिक को आप मेंटेन करो। अगर 1 मंथ तक आपका 30 से 40 ऑर्गेनिक ट्रैफिक पर डे अगर आना स्टार्ट हो जाता है, तो आपका जो वेबसाइट है वो अप्रूव्ड हो जाएगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पर कुछ सुधार करने की जरूरत नहीं है, वेबसाइट काफ़ी अच्छा आपने बनाया है। जस्ट आपको ध्यान देने की जरूरत किस पर है, तो जस्ट ऑर्गेनिक ट्रैफिक पे, ठीक है। ऐसे विषयों पर कंटेंट लिखे, ठीक है, जिस पर आपको ट्रैफिक मिले, तो वो जरूरी होता है, ठीक है। तो आप इस ऑर्गेनिक ट्रैफिक को ठीक करें, ठीक है। और बाकी लोगों का भी अगर इसी तरह का प्रॉब्लम है जो वीडियो देख रहे हो, तो उनको भी समझ में आ गया होगा कि क्या करना है नहीं करना है। वैसे अलग अलग मैं वेबसाइट रिव्यू करूंगा, ठीक है, सब में अलग अलग आपको प्रॉब्लम देखने के लिए और जानने के लिए मिलेगा, इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम था नहीं। अगर आप भी अपना वेबसाइट रिव्यू पर लगाना चाहते हो गाइज, तो हाँ, आप जो है ना आ सकते हो मेरे प्रोफाइल पर इंस्टाग्राम का। व्हाट्सएप पे अब मैं हेल्प उतना नहीं कर पाऊँगा, बहुत डिस्टर्ब होती है उसमें यार। तो आप इंस्टाग्राम पर आओ, यहाँ पर अपना यूआरएल शेयर करो और अपना प्रॉब्लम को लिखो, मैं रिव्यू करके यूट्यूब में वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। और अगर आप हाइड रखना चाहते हैं अपना यूआरएल को, तो भी कर सकते हैं, मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस वो मैसेज में आप बता देना। फिर से मिलते हैं इस तरह के वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।